सत श्री अकाल दोस्तों, तुसी देख रहे हो हैप्पीनेयर ते मैं हाँ जुगराज सिंह। उम्मीद करदा कि तुसी सारे ठीक ठाक होवोगे। जिस तरह मैं तुहाडे नाल पहलां कई नॉलेज वाली वीडियो शेयर कीतियां, उन्हां दे विचों एक मैं तुहाडे नाल वीडियो शेयर की सी जिहदे विच असीं डिस्कस किया कि अपने पेरेंट्स का जिहड़ा विजिटर वीज़ा वा उह असीं किवें अपलाई कर सकते हैं। सो वह वीडियो देखने वास्ते तुसीं इत्थे मैं उपर लिंक दिता, तुसीं लिंक ते क्लिक करके वह वीडियो देख सकते हो कि कहड़े स्टैप फॉलो करके कहड़ियां गल्लां नूं ध्यान च रख के अपने पेरेंट्स का जिहड़ा वीज़ा वा असीं अप्लाई कर सकते हैं। उस तो अगली गल आउंदी है जी, जब तुहाडे पेरेंट्स इत्थे आ जांदे ने तां उहनां दा जिहड़ा स्टे आ उह सिर्फ 6 मंथ वास्ते वैलिड हुंदा। मतलब उहदा इह आ कि जब तुहाडे पेरेंट्स इत्थे आउणगे तां उहनां नूं वीज़ा ते जिन्नी देर तक मोस्टली उहनां दी इदां ही मिलदा वा कि जब तक उहनां दे पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट हुंदी आ उदों तक उहनां नूं वीज़ा मिल जांदा, पर उह इत्थे स्टे कर सकदे ने 6 मंथ वास्ते। सो 6 मंथ तों बाद दो गल्लां हुंदियां ने, या तो तुहानूं अगे अपना स्टे एक्सटेंड करवाउणा पैंदा या फिर तुहानूं इत्थों कंट्री आउट करनी पैंदी आ। मतलब इहदा इह आ कि तुहानूं इत्थों कैनेडा तो वापस इंडिया या किसी होर कंट्री जाना पऊगा तां कि तुसीं कैनेडा नूं एक बार लीव करोगे फिर दुबारा एंटर तुसीं बैक करोगे, चाहे तुसीं अगले दिन ही एंटर कर लो। सो अगला मैथड यह आ कि तुसीं एक्सटेंशन अप्लाई कर सकते हो। इत्थे तुसीं इमीग्रेशन नूं रिक्वेस्ट करदे आ कि साडा जिहड़ा स्टे आ एक्सपायर होने वाला वा, सो असीं अगे स्टे जिहड़ा उह एक्सटेंड करवाउणा। अज दी इस वीडियो विच असी हर एक स्टैप डिस्कस करांगे कि कहड़ी गल ध्यान रखने वाली है ते कहड़े कहड़े डॉक्यूमेंट सानू चाहिए ने वीज़े का स्टे एक्सटेंड कराने वास्ते। सो जे तुसी मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल नूं सबसक्राइब करो ताकि तुहानूं होर वीडियो जिहड़ियां ने आने वाली मिलदियां रहन। सो दोस्तों आओ फिर आपां करदे आं इहदे बारे गलबात शुरू। सब तो पहली गल ये आउंदी आ कि तुहानूं डॉक्यूमेंट कहड़े कहड़े चाहिए ने। सो डॉक्यूमेंट्स दे विच सब तो पहला एक तुहानूं जिहड़ा एप्लीकेशन चेंज जिहड़ा कंडीशन दा वह फॉर्म भरना पऊगा, वह फॉर्म का नंबर हैगा IMM 5708। सो ये जिहड़ा फॉर्म है ये तुहानूं फिल करना पऊगा जिहदे विच तुहानूं सारी डिटेल जिहड़ी आ उह तुसीं फिल करोगे। उस तो अगली चीज़ आउंदी आ तुहानूं पासपोर्ट चाहीदा तुहाडे मदर जां फादर दा जिहदा तुसीं वीज़ा जिहड़ा उहदी एक्सटेंशन लैण वास्ते अप्लाई कर रहे हो। तो उहदे विच तुसीं की रखोगे कि जिहड़ा पहला पेज होगा वह प्लस जिन्ने भी पेजिस ते स्टैंप्स लगियां होणगियां वह सारे पेज जिहड़े आ उह तुसीं स्कैन करोगे इनकलूडिंग लास्ट पेज। सो इत्थे कई बार आपां गलती करते हैं कि अपने जिहड़े दूजे सारे पेज आपां ला दिंदे आ पर रीसेंटली जिहड़ा तुहाडा वीज़ा लग्गिया हुंदा उह पेज विच आपणा स्कैन हुंदा ही नहीं आ। सो ऑल डॉक्यूमेंट ऑल पेज जिहड़े ने उह सारे तुसीं स्कैन करने आ जिहदे उत्ते भी स्टैंप जां कोई स्टिकर लग्गिया होया। उस तो अगली चीज़ आउंदी आ प्रूफ ऑफ मीनस ऑफ फाइनैशियल सपोर्ट। सो इहदे विच डॉक्यूमेंट लगणगे कि तुहाडे जिहड़ा तुहाडा जिवें तुसीं इत्थे रह रहे हो पे जिहड़ा एप्लीकेंट है उहदा सन जां डॉटर जिहड़ा भी इत्थे रहिंदा उहदे प्रूफ फाइनैशियल कि उह की जॉब करदा, उहदे पे स्टब लगणगे 3-4 पे स्टब ला दो, 3 महीने की स्टेटमेंट लगा दो, प्लस जिहड़ा एप्लीकेंट आ उहदे अकाउंट दे विच जिन्ने फंड ने वो सारे। उस तों बाद तुसीं अपनी CA की जिहड़ी स्टेटमेंट आ उह तुसीं नाल लगाओगे। जे तुहाडे फादर सपोज़ करो इंडिया ने तुहाडे मदर इत्थे ने तां तुसीं अपने फादर की तरफ तों एक एफीडेविट लाओगे जिहदे विच तुसीं मैनशन करोगे कि तुहाडे फादर जिहड़े ने उह फुल सपोर्ट करनगे तुहाडे मदर नूं। उहदे नाल नाल अडिशनली तुसीं अपना जिहड़ा जिन्ने भी तुहाडे फंड ने उह तुसीं सारे ऐड तुसीं इत्थे करके उह एक प्रूफ ऑफ फाइनैशियल सपोर्ट की जिहड़ी फाइल आ उहनूं इकट्ठी करके बना लोगे। पर इत्थे एक चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली आ, जिहड़ा फाइल का साइज़ आ उह 4 MB तों वड्डा नहीं होना चाहीदा। जदों तुसीं इन्ने डॉक्यूमेंट इकट्ठे करोगे तुहाडा जिहड़ा साइज़ आ फाइल का उह वड्डा हो जाऊगा तो उह उत्थे तुसीं अपलोड नहीं कर पाओगे। सो उहदे वास्ते तुहानूं जिहड़ी फाइल आ उह कंप्रैस करनी पऊगी। फाइल कंप्रैस करन दे कई तरीके आ, तुसीं ऑनलाइन कर सकते हो या तुसीं अलग अलग सॉफ्टवेयर की मदद जिहड़ी आ उह लै सकते हो। सो मेक श्योर करो कि तुहाडी जिहड़ी फाइल आ उहदा साइज़ 4 MB तों थले रहे। उस तों अगली चीज़ आउंदी आ कि डिजिटल फोटो जिहड़ा एप्लीकेंट आ उहदी तुहानूं चाहीदी आ, उह तुहानूं इत्थे अपलोड करनी पऊगी। उस तों अगे आउंदी आ ऑप्शनल डॉक्यूमेंट, जे तुसीं इत्थे स्क्रीन ते देख रहे हो ऑप्शनल डॉक्यूमेंट दे विच आउंदा वी तुहानूं अपने एप्लीकेंट दा जिहड़ा टैंपरेरी रेजिडेंट वीज़ा जिहड़ा तुसीं अप्लाई कर रहे हो आउटसाइड कैनेडा, फिर तुहानूं इत्थे ए भरना पऊगा फॉर्म, पर तुसीं इत्थे ऑलरेडी तुहाडे पेरेंट्स इत्थे ने सो इस करके इहनूं तुसीं छड्ड दोगे। उस तों अगली चीज़ आउंदी आ क्लाइंट इनफॉर्मेशन, जिहड़ा क्लाइंट इनफॉर्मेशन वाला कॉलम आ इहदे विच तुसीं अपलोड करोगे अपने मदर दे वल्लों एक रिक्वेस्ट लैटर प्लस अपने वल्लों तुसीं एक इनविटेशन लैटर जिहड़ी आ उह तुसीं इत्थे अपलोड करोगे। सो उहदे नाल नाल तुसीं अपना प्रूफ जिहड़ा तुहाडा हैगा जिवें तुसीं इत्थे एज अ वर्क परमिट ते हो तां तुसीं उह नाल उहदी कॉपी अपलोड करोगे, जे तुसीं PR हो तां अपने PR कार्ड अपलोड करोगे। उहदे नाल नाल जे तुहाडे कोल इत्थे कोई रीज़न हैगा वैलिड, जिवें सपोज़ कि तुहाडा न्यू बेबी जिहड़ा बॉर्न होया तुसीं उहदा बर्थ सर्टिफिकेट नाल अटैच कर सकदे हो, कोई इदां दी जिहड़े डॉक्यूमेंट ने जिहड़े मतलब कि वीज़ा ऑफिसर नूं इह श्योर करन वास्ते कि तुहाडा रहिण दा इत्थे रीज़न की आ, परपज़ की आ। सो इत्थे तुसीं उह सारे डॉक्यूमेंट जिहड़े ने क्लाइंट इनफॉर्मेशन दे विच
अपलोड कर दोगे। फीस जी सिर्फ $100 मतलब $100 ताकि फीस जी लगेगी जी इमीग्रेसन की फीस आ। उस तो बाद जे तुसी किसी लायर तो अपलाई करते हो या किसी एजेंट को अपलाई करते हो तो अपने सर्विसिज के जोड़े चार्जिज ने एडअप करेगा, जिमें कोई 300, 400, 500 सो अलग अलग जोड़े चार्जिज ने लागे। पर जे तुसी फाइल अपने एंड से लाते हो तो अपना जो इमीग्रेसन का लायर आदि जी फीस आ सेव कर सकते हो। पर यह चीज़ का ध्यान रखो कि डॉक्यूमेंट प्रॉपर स्कैंड होन क्लीयर होन ते हर एक चीज़ जी जस्टिफाई होंगी हो। सो दोस्तों आओ फिर करते हैं शुरू। सो अप्लाई करने वास्ते सब तो पहला गूगल पर जाओगे, गूगल ओपन करने तो बाद लिखोगे IRCC लॉगिन। सो तुहाडे कोल ए वाला पेज खुलूगा, इत्थे तुसी पहले लिंक ते क्लिक करोगे। उस तो बाद तुहाडे कोल इत्थे अलग अलग ऑप्शन ने, तुसी जिद्दां भी अपनी जिहड़ी फाइल आ लास्ट टाइम आपां डिस्कस कीता सीगा कि तुसी GC की ना बनाया अकाउंट तां तुसी इत्थे क्लिक करोगे साइन इन विद GC की, या फिर थल्ले तुसी रजिस्टर भी कर सकते हो। हुण इत्थे तुहाडा लॉगिन पेज आऊगा, इत्थे तुसी अपना लॉगिन ID ते पासवर्ड भर के साइन इन कर देना। उस तो बाद तुसी अगे जाओगे तां तुहानू कंटिन्यू कर लई कहूगा, कंटिन्यू करो। उस तो बाद टर्म्स एंड कंडीशन कहूगा, उन्होंने तुम एक्सैप्ट कर लेना। उस तो बाद अगे थोड़े को क्वेश्चन पूछ रहा जेडे वैलीडेशन वास्ते अपने आइडेंटिटी वैलीडेशन वास्ते क्वेश्चन जोड़े रखे होंगे वो तुम पूछ रहा, इतने क्वेश्चन बिल्कुल सही आंसर भर देना। सो उस तो बाद नैक्सट क्लिक कर देना कंटिन्यू। फिर तुहाडे कोल इत्थे सारिया जिहड़ियां पोर्टल खुल गया, इत्थे तुहानू सारिया तुहाडियां जिहड़ियां एप्लीकेशन ने जिवें इत्थे देखो आपां एप्लीकेशन विजिटर वीजे की लाई वो इत्थे अपरूव्ड शो कर रहा। सो उस तो बाद थल्ले जाओगे, देखो इत्थे तुहाडे कोल आ रहा ऑप्शन अपलाई टू कम टू कैनेडा। सो इत्थे तुसीं पहला जिहड़ा लिंक है इहनू ओपन कर लेना। उस तो बाद तुहानू पुछ रहा कि प्लीज़ एंटर योर परसनल रैफरेंस कोड। सो अपने कोल परसनल रैफरेंस कोड कोई नहीं हैगा, तुसीं की करना तुसीं थल्ले जाओगे, इह थल्ले देखो ऑप्शन आ रही अलग अलग। सो पहली ऑप्शन आ रही विजिटर वीज़ा स्टडी वीज़ा वर्क परमिट, सो आपां ए वाली ऑप्शन ते टिक कर लांगे। उस तो बाद अगला क्वेश्चन पुछदा तुहानू कि व्हाट डू यू लाइक टू डू इन कैनेडा। सो इहदा साडा हैगा वा परपज़, साडा हैगा वा विजिट, राइट। सो आपां इत्थे विजिट ते क्लिक करांगे। उस तो अगली ऑप्शन कहिंदी आ हाउ लॉन्ग, कहिंदा कि हाउ लोंग आर यू प्लानिंग टू स्टे इन कैनेडा। सो इत्थे लिखांगे टैंपरेरी लैस दैन 6 मंथ, तो तुसीं इत्थे क्लिक कर देना। उस तो बाद कहिंदा कि सिलेक्ट द कोड दैट मैचिज वन ऑफ योर पासपोर्ट, तो इतने अपना आजूगा IND इंडिया। सो ये तुम सिलेक्ट कर लेना क्योंकि अपना पासपोर्ट जो इंडियन पासपोर्ट है, इस करके आप IND करेंगे, जिहड़ी भी कंट्री का तुहाडा हैगा तुसीं उह सिलेक्ट इतने कर लेना। उस तो कहिंदा कि वट इज़ योर करंट करंट कंट्री और टेरेटरी ऑफ रेजिडेंस, इफ यू आर प्रेजेंटली इन कैनेडा सो इट शुड बी कैनेडा। सो आप इतने कैनेडा ज हाँ, तो कैनेडा क्लिक कर लेना। उस तो बाद अगर तुम जाने कि डू यू हैव फैमिली मैंबर हू इज़ कनेडियन सिटीजन और परमानेंट रेजिडेंट एंड इज़ 18 ईयर्स और ओल्डर। सो जो कॉलम है ये अपने अकॉर्डिंगली भरना कि जी थी करंट सिचुएशन है इतने, जिमें सपोज करो तुम्हें पेरेंट्स का वीज़ा तुम अपलाई कर रहे हैं तो तुम जो इतने जो भी स्टेटस है तुम सिलेक्ट करोगे। सो इतें आप कर लेंगे कि आप जो परमानेंट रेजिडेंस है आप यस कर लेंगे। उस तो बाद अगर तुम्हें कहता कि वट इज़ यूर डेट ऑफ बर्थ, तो इतने तुम जे फादर या मदर ने तुम उन्होंने इतने डेट ऑफ बर्थ जी भरोगे। उस तो बाद नैक्सट क्लिक कर देना, नैक्सट क्लिक करोगे तो तुम इस पेज पर लैके आजगा। इतने कहता कि हैव यू लिव्ड इन कैनेडा एज परमानेंट रेजिडेंट और लैंडेड इमीग्रेंट, तो तुम इतने कर दोगे जी नो। उस तो बाद करोगे नैक्सट, नैक्सट करने तो बाद कहोगे जी आर यू ए लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, तो इतने अपना नो आ जाना। उस तो बाद आप करेंगे नैक्सट। उस तो कहता कि वट इज़ योर करंट इमीग्रेसन स्टेटस इन कैनेडा। सो ता जो करंट इमीग्रेसन स्टेटस है वो ऑलरेडी विजिटर है क्योंकि तुहाडे कोल विजिटर वीज़ा हैगा ऑलरेडी, जिवें मैं एक्सप्लेन किया कि तुहाडे पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट तक तो यूजली तुहानू मिल जाता। सो इस तुसीं विजिटर करके उस तो बाद नैक्सट से क्लिक करोगे। सो इतने अगले इतने तुहाडे कोल अगला ऑप्शन आता है कि हाउ यू आर रिलेटेड टू योर फैमिली मैंबर। सो इतने कन्फ्यूजन पैंदे आ कि आप ऑप्शन चूज़ करांगे, देखो चाइल्ड भी आ रही है पेरेंट्स भी आ रही है। जो तुम इतने क्वेश्चन मार्क से क्लिक करोगे तो उन्होंने क्लीयर की है गल, कहिंदा द रिलेशनशिप इज़ फ्रॉम यूअर पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। वो कहिंदा कि फॉर एग्जाम्पल इफ यूअर पेरेंट्स लिव इन कैनेडा यू शुड चूज़ दे आर माई पेरेंट, मतलब जे तुम सन हो है ना किसी के, तो पेरेंट्स उत्थे रहिंदे आ, तो पेरेंट करोगे उत्थे, फिर क्यों मेरे पेरेंट्स ने। सो हुण इत्थे की आ कि तुसीं अपने पेरेंट्स का वीज़ा अपलाई कर रहे हो तो तुसीं उन्हां दे चाइल्ड हो, फिर तुसीं इत्थे ऑप्शन चूज़ करोगे कि चाइल्ड ग्रैंड चाइल्ड, ये वाली ऑप्शन।
हाउ यू आर रिलेटेड टू यूर फैमिली मैंबर, मतलब कि तुहाडा फैमिली मैंबर दा तुहाडे नाल की रिलेशन आ, वो तुहाडा बच्चा आ, तुसीं इत्थे चाइल्ड करोगे। सो उस तों बाद तुसीं इत्थे नैक्सट ते क्लिक कर देना। उस तों बाद कहिंदा कि आर यू इन कैनेडा ऑन ए पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट सुपरवीजा, जे तुसीं सुपरवीजा ते हो ते फिर तुसीं इत्थे करोगे यस, अदरवाइज तुसीं इत्थे नो कर देना। सुपरवीजा जिहड़ा उहदा प्रोसैस थोड़ा जिहा अलग हुंदा, वो फिर कितें आपां अगली वीडियो च डिस्कस करांगे। सो तुसी जुड़े रहो मेरे नाल, पर चैनल नूं सबसक्राइब करो तां कि तुहानूं होर वीडियो दी जिहड़ी अपडेट्स ने ओह मिलदियां रहन। सो इत्थे आपां फिलहाल नो करके उस तों बाद असीं नैक्सट कर देंगे। नैक्सट करांगे तां उस तों अगे साडे कोल पुछ रहा कि कहिंदा वट इज़ यूर मैरिटल स्टेटस, तुहाडा तुसीं मैरिड हो ते तुसीं इत्थे मैरिड लिख देना, जां जिहड़ा वी तुहाडा ऑप्शन सूटेबल हैगा तुसीं ओह सिलैक्ट कर लेना। सो तुहाडे मदर फादर अगर मैरिड ने ते मतलब कहण दा मतलब इह है कि ओह डिवोर्स नहीं होया उहनां दा, जां फिर जे तुहाडे फादर या मदर टू कोई एक्सपायर हो जाता फिर तुम उत्थे उस अकॉर्डिंगली ऑप्शन चूज करोगे। तुम इतने मैरिड कर लेना, उस तो बाद लिखना कि वट इज़ योर प्रोविंस और टेरिटरी ऑफ रेजिडेंस, तो वो इतने अपनी जी थोड़ी हैगी चूज़ कर लेनी है। उस तो बाद नैक्सट क्लिक कर देना। अगे जाओ कहिंदा कि बेस्ड ऑन योर इनफॉर्मेशन यू अपलाइड द रिजल्ट्स इंडीकेट्स यू मे अपलाई फॉर ऑल दीज ऑप्शनस। देखो ये साढ़े को अलग अलग ऑप्शनस ने आ रही ने, कहिंदा कि फैमिली क्लास यू मे बी एलिजिबल टू कम टू कैनेडा थ्रू फैमिली क्लास स्पॉन्सरशिप, उस तो बाद यू मे बी एलिजिबल टू एक्सटेंड यूर स्टे इन कैनेडा एज विजिटर टूरिस्ट, उस तो बाद सुपरवीजा अपलाई कर सकते हो। पर इहदियां अलग अलग कंडीशनस हुंदियां ने, जिवें असीं सुपरवीजा अपलाई करना तुसीं कंट्री तो बाहर होने चाहिए, मतलब इस तरीके दे नाल। सो असीं इत्थे की कर रहे हैं, इत्थे आपां सैकंड ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं कि यू मे बी एलिजिबल टू एक्सटेंड यूर स्टे। सो आपां अपना जिहड़ा एक्सटेंड आ करना स्टे, तो इत्थे आपां इत्थे कंटिन्यू कर देंगे। उस तो अगे फिर तुसी जब कंटिन्यू करोगे तो तुहानू ये नैक्सट पेज ते लै जूगा। सो इत्थे ऑप्शन आ गई विजिटर्स इन कैनेडा यू आर ऑलमोस्ट देयर, कहिंदा फिर उस तो बाद कंटिन्यू करोगे, वो तुहानू अगे क्वेश्चन पुछूगा कहिंदा कि आर यू कंपनिंग और फैमिली एनी फैमिली मैंबर, इत्थे अपना नो आ जूगा। उस तो बाद नैक्सट कर देना। फिर तुहाडे को पुछ रहा कि वैन डज यूर स्टेटस इन कैनेडा एक्सपायर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ ये, तुहानू ये पुछ रहा वा कि जिवें सपोज करो कि तुहाडा जिहड़ा पासपोर्ट आ, जिवें ये तुहाडे कोल स्टिकर लग्या हुंदा पासपोर्ट ते, सो इत्थे जिहड़ी एक्सपायरी डेट हुंदी आ स्टिकर ते वो हुंदी आ टिल तुहाडा जद तक पासपोर्ट एक्सपायर हुंदा उत्थों तक, यूजली आम करके इदां ही हुंदा। पर इत्थे तुसीं वो डेट भरनी आ कि जिस तरीक नूं तुहाडा जिहड़ा स्टे आ इत्थे वो एक्सपायर हो रहा। सपोज करो कि जिवें तुहाडे 6 महीने जिहड़े ने वो किन्नी तरीक नूं तुहानूं पूरे हो रहे ने, तुसीं इत्थे वो वाली डेट भरोगे। सो इत्थे अपनी आ गई डेट तुसीं भर देनी आ, जिस दिन तुहाडे पेरेंट्स जिहड़े ने वो इत्थे एंटर होए कैनेडा उस दिन तो, जे उत्थे स्टैंप लगी हुई आ उत्थे डेट पई होगी, जे नहीं कई बार इमीग्रेशन ऑफिसर जिहड़ा वो स्टैंप नहीं लाउंदा उत्थे वीज़ा ऑफिसर। सो उस तरीके दे नाल तुसीं जद इत्थे लैंड होए आ तुहानूं पता होगा डेट दा, तुसीं वो वाली डेट इत्थे भर के उस तों बाद तुसीं नैक्सट ते क्लिक कर देना। उस तों कहिंदा कि हैव यू हैड ए मैडिकल एग्जाम परफॉर्म्ड, इत्थे अपना नो आ जाएगा क्योंकि तुसीं विजिटर ते आए हो, उदों विजिटर ते जिहड़ा वा वो तुहाडा मैडिकल एग्जाम यूजली नहीं हुंदा। उस तों अगे कहिंदा वा कि डू यू वॉन्ट टू वर्क वन ऑफ द फॉलोइंग जॉब्स, नहीं जी असी वर्क नहीं करना इतने, तो उस तो बाद नो करके उस तो बाद नैक्सट क्लिक करांगे। नैक्सट क्लिक करने बाद कहिंदा कि डू यू वॉन्ट टू सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर ए फैमिली मैंबर, नहीं मतलब सिंगल एप्लीकेशन है तो नो कर देना। उस तो बाद नैक्सट कर देना। कहिंदा आर यू गिविंग समवन एक्सैस टू योर एप्लीकेशन, सो इतने जो तुम अपना एजेंट या कोई रिप्रजेंटेटिव लिया वा तो यस करोगे, अदरवाइज तुम नो करके जरा क्लिक करके नैक्सट कर देना। फिर कहिंदा कि इन द पास्ट 10 ईयरस हैव यू गिवन यूर फिंगरप्रिंट्स एंड फोटो बायोमैट्रिक्स, फोटो बायोमैट्रिक्स जो तुम हूँ कुछ टाइम पहले इतने आए हो तो हूँ तो हूँ तो वो सारे जो बायोमैट्रिक ने पहला लेंदे आ, तो इतने थोड़ा यस आ जाएगा। जे तुम पहला तो इतने आने जाने तो जो थोड़ा नहीं है तो इतने नो कर दोगे। सो यूजली यस आऊगा, उस तो बाद नैक्सट कर देना। कहिंदा देयर आर फीस, तुम फीस जो पे करोगे वो आप कहेंगे यस आप करेंगे, $100 की फीस आ मैं ऑलरेडी तुम दसता। उस तो बाद कहिंदा कि आर यू एबल टू मेक डिजिटल कॉपी ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स, यस तुम कर सकते हो। तो उस तो बाद नैक्सट क्लिक कर देना। फिर कहिंदा विल यू बी पेइंग योर एप्लीकेशन फीस ऑनलाइन, किवें फीस पे करनी ऑनलाइन, तुम यस कर देना। ऑनलाइन फीस पे करने वास्ते तुम वीज़ा डेबिट मास्टर कार्ड चाहिए। सो हूँ ये वाला जो पेज आ इतने तुम सारी इन्फॉर्मेशन जी आई दिखा रहा, तुसी अपनी इन्फॉर्मेशन चैक करके जे तुहाडा सारा कुछ जिहड़ा वा वो करैक्ट आ, सारा कुछ ठीक आ, तो तुसी थल्ले जाके उस तो बाद तुसी कंटिन्यू ते क्लिक कर देना। उस तो अगली तुहानू ऑप्शन कहिंदा कि अगला हुण स्टैप वन तुसी अकाउंट क्रिएट किया ऑलरेडी हो गया, फिर तुहाडी एप्लीकेशन जिहड़ी सेव हो गई आ, हुण तीजा स्टैप हैगा कि तुसी अपने डॉक्यूमेंट जिहड़े ने अपलोड करने ने।
ਸੋ ਇੱਥੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਆ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥਾ ਸਟੈਪ, ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਨੈਕਸਟ ਪੇਜ 'ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੋਰਮ ਹੈ ਉਹ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਫਿਰ ਪਰੂਫ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਪੋਰਟ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਜੀਟਲ ਫੋਟੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਲਾਇੰਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਾਈਜ਼ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਨ ਬਾਏ ਵਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਪਲੋਡ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਫਾਈਲ ਪਹਿਲੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅਪਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਰਨ ਟੂ ਯੋਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਗਈ ਆਲਰੇਡੀ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਸੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਆ ਉਹ 4 MB ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ 4 MB ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਰਰ ਦੇ ਦੇਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਾਈਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਰੂਫ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਪੋਰਟ। ਯੂਜ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰੂਫ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆ ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੌਬ ਦੀ ਲੈਟਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ T4 ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸੈਪਰੇਟ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਸੋ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਥੱਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਔਨ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ $100 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਐਗਰੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਵਨ ਨੇਮ ਜਾਂ ਲਾਸਟ ਨੇਮ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭਰ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਆ ਗਿਆ ਨਾਮ ਆ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਸਟ ਨੇਮ ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਨੇਮ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਦਿਆ ਗਿਆ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾਸਟ ਨੇਮ 'ਚ ਭਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਨੇਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਕੋਡ ਕੁਸ਼ਚਨ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਅਰ ਯੂ ਮੈਟ ਯੂਅਰ ਸਪਾਊਸ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਂਸਰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੁਸ਼ਚਨ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਰ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਓਕੇ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਐਂਡ ਪੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਮਰੀ ਆਫ ਫੀਸ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ $100 ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਐਂਡ ਪੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੇਜ 'ਤੇ ਲੈ ਜੂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਦਾ ਨੇਮ, ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ, ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਭਰ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕਆਊਟ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜੂ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਅਪਰੂਵਡ ਹੋ ਗਈ ਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਰਡਰ ਨੰਬਰ ਆ ਜੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਬੈਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਗਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ, ਯੂ ਹੈਵ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਸਬਮਿਟਡ ਯੂਅਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਔਨ ਯੂਅਰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਆ ਉਹ ਸਬਮਿਟ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਬੈਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓਗੇ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਅਪਰੂਵਡ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਬਮਿਟਡ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਡੇਟ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਬਮਿਟਡ, ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਨਿਊ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਫੁੱਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚਲ ਜਾਣਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਔਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਦਿਖਾਤੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਬਮਿਟ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 30 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ
सो इस तरीके अपने आप सेव कर सकते हो तो वेट करो जब तक तुम अगली अपडेट आऊगी तो उत्थे मे बी थोड़े को पासपोर्ट मंगणगे या जो भी अगर प्रोसैस होगा वो तुम्हें इनफॉर्मेशन जी इतने पोर्टल के अपडेट मैसेज आते रहेंगे। सो ये बड़ा ही सिंपल जहा मैथड आ, बड़े सिंपल जे स्टैप ने जिन्हों फॉलो करके अपने पेरेंट्स की जी फाइल आ सबमिट कर सकते हो वीज़ा दे स्टे दे एक्सटेंशन वास्ते, क्योंकि वीज़ा उन्होंने को ऑलरेडी है सिर्फ तुम्हें स्टे एक्सटेंड करवाना। मैनू पूरी उम्मीद आ कि तुम हर एक गल क्लीयर हुई होगी, तुम्हें वीडियो पसंद लगी होगी, जे तुम वीडियो चंगी लगी आ तुम अपने दोस्तों के नाल शेयर करो ताकि उन्होंने भी हैल्प मिल सके। जे तुम मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सबसक्राइब करो, तो जे तुम कोई ये रिगार्डिंग क्वेश्चन हैगा तुम मैं कमेंट कर सकते हो कमेंट बॉक्स के, मेरी ईमेल आई डी हैगी helpinair@gmail.com। तुसी मैनू ईमेल भी कर सकते हो, मेरे को जद भी टाइम लगेगा मैं तुहानू रिप्लाई जरूर करूँगा। सो दोस्तों जुड़े रहो मेरे नाल फिर एक नवी वीडियो दे नाल मिलते हैं, तद तक दे लई रब रखा।